यस बेटा, हमारा चैप्टर 4 स्टार्ट था मल्टीमीडिया। हमने मल्टीमीडिया में कौन कौन से हार्डवेयर्स की नीड होती है, मल्टीमीडिया कैसे वर्क करता है, ये हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे सम एजुकेशनल मल्टीमीडिया सीडीज, एजुकेशन से रिलेटेड मीडिया सीडीज देखेंगे। ओके, देयर आर न्यूमरस एजुकेशनल सॉफ्टवेयर अवेलेबल इन द मार्केट। आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं मार्केट में अवेलेबल हैं एजुकेशन से रिलेटेड। डिफरेंट वेंडर्स ऑफर डिफर लर्निंग मॉडल, और अलग अलग कंपनी अलग अलग जो वेंडर्स होते हैं वो अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करके और एजुकेशन के लिए देते हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ स्कूल में नेक्स्ट एजुकेशन का सिस्टम लगा हुआ है, तो नेक्स्ट एजुकेशन वाले न्यू फीचर्स अपडेट करते रहते हैं और हमें एजुकेशन में हेल्प करने के लिए ये सब प्रोवाइड करवाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एंड कैरेटा। सेकेंड, एजुकेशन सी डी एनवायरमेंट स्टडीज। आडा मैथ एक्टिविटी एजुकेशन साइबर एजुकेशन सॉफ्टवेयर, ये डिफरेंट शॉप सॉफ्टवेयर्स हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट, लर्निंग मेड इजी यूजिंग मल्टीमीडिया। अब देखिए मल्टीमीडिया से लर्निंग को कैसे इजी किया जाता है। मल्टीमीडिया डिवाइस लाइक्स कंप्यूटर प्रोजेक्टर्स वाइट बोर्ड्स एंड स्पीकर एंड इवन टैबलेट्स एंड बिकमिंग कॉमन इन आर क्लासरूम। देखिए आप क्लासरूम में ये सब तो देखते ही थे, कंप्यूटर्स अपने लैब में है, प्रोजेक्टर्स अपने रूम्स में है, उनके साथ वाइट बोर्ड भी होता है, उनके साथ स्पीकर भी लगे होते हैं, जो हमें कोई भी टॉपिक अगर टीचर वहाँ से रीड करवा रही है तो उसके हमें साउंड भी सुनाई देती है। और आजकल जो COVID-19 की वजह से जो भी इतना बड़ा पैंडमिक चल रहा है, उस टाइम में हम ई लर्निंग के थ्रू स्टडी कर रहे हैं। जैसे आपको वीडियोस आप यूट्यूब पर देखते हैं, कंप्यूटर में देखते हैं, तो इन सब से क्या होता है, ये जो हमारे मल्टीमीडिया है हमारी एजुकेशन को भी डेवलप कर रही है, क्लासरूम्स को डेवलप कर रही है। पहले आपको फिज़िकली किस स्कूल में आना पड़ता था, लेकिन आजकल ऐसा हो गया है कि आप फिज़िकली ना होकर अपने कंप्यूटर या फिर अपने मोबाइल से कनेक्ट होकर और टीचर से कनेक्ट होकर वहाँ घर से स्टडी करते हैं। ओके, व्हाई इज़ मल्टीमीडिया गेटिंग मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट इन लर्निंग। अब देखिए जो मल्टीमीडिया हमारी एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा क्यों इम्पोर्टेंस रखती है। यस, द ग्राफिक्स एनिमेशन ऑफ वीडियोस मेक लर्निंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड ईजी टू अंडरस्टैंड एज दे क्रिएट अ गेम लाइक एटमोसफेयर ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। देखिए जो मल्टीमीडिया है ये लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाती है। जैसे देखिए हमें आपको किसी टॉपिक की वीडियोस दिखाते हैं और उसकी पिक्चर्स शो करते हैं, तो उससे आपको अच्छे से लर्न होता है, यानी आप अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर पाते हैं। लेकिन अगर हम आपको बुक्स में से बस रीड करवाते रहें तो आप अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते हैं। जो हमारा माइंड है पिक्चर्स से रिलेटेड करके किसी चीज़ को अच्छे से सीखने की कोशिश करता है, और जो हम रीडिंग करते हैं वो हम इतना ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। तो इन सबसे क्या होता है, जो मल्टीमीडिया है हमारी स्टडी को बहुत अच्छे से हमें प्रेजेंट करता है, हमें समझ में आता है, तो इस सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है स्टडी में। इट इनकॉर्पोरेट्स लर्निंग विद एंटरटेनमेंट एंड फन। और इसमें क्या होता है, एनिमेशंस पिक्चर होते हैं जो हमें लर्निंग में फ़न भी करते हैं, हम खेल खेल में बहुत कुछ चीज़ें सीख जाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, हमें ये मल्टीमीडिया ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है कि हम अपनी एजुकेशन को बेटर फॉर्म में स्टडी कर सके। यस, द लर्न कैन सी हेयर एंड इमेजिंग द थिंग्स फील लाइक एज अ मल्टीमीडिया ब्रिंग द लर्निंग टू द रियल वर्ल्ड। देखिए जैसे आपने प्रोजेक्टर देखा होगा, आपको टीचर्स ने दिखाया होगा, तो आपको वहाँ पर कोई स्टोरी सुनाते हैं, तो वहाँ पर आपको फिजिकली एनिमेशन ऐसे लगते हैं कि वो हमारे सामने रियली में वो सब कुछ हो रहा है, तो उनसे आपके माइंड पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है और आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो पाती है। लेकिन अगर वही चीज़ आपको टीचर बस बुक में से रीड करके बता दे तो आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। तो मल्टीमीडिया इसलिए इम्पोर्टेंस रखती है, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन हेल्प ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर एंड इम्प्रूव द हायर ऑर्डर थिंग्स स्किल हॉट्स। देखिए इसकी फुल फॉर्म होती है हॉट्स की, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। तो ये क्या करती है, हमें हेल्प करती है चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड करने में। यस, द लर्नर्स गेट्स एक्टिवली इन्वॉल्व्ड थ्रू इंटरेक्शन सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज दैट विल हेल्प हिम हर
रिमेंबर फॉर लॉन्ग द कॉन्सेप्ट वन हैज़ हेयर्ड सी एंड प्रैक्टिसेस। देखिए जो चीज़ें हम अपनी आँख से देख लेते हैं और उन्हें सुनते हैं, साउंड देखते हैं, सुनते हैं, तो वो चीज़ें हमें लॉन्ग टाइम के लिए लर्न होती हैं। जैसे अभी देखिए हम कोई मूवी देखते हैं तो मूवी में क्या क्या हुआ हमें फटाफट से याद हो जाता है, क्योंकि हमने क्या देखा, हम विजिबलाइज करा है उन पिक्चर्स को, देखा है उनको, हमने फील करा है, तो इससे क्या हो जाता है हमें अच्छे से लर्न हो जाती है। लेकिन अगर हम किसी चैप्टर को रीड करके और फिर उसे एक्सप्लेन करना चाहें तो वो हमसे एक्सप्लेन नहीं हो पाता, क्योंकि हमें उसकी सारी चीज़ें याद नहीं रहती हैं। तो इससे क्या होता है, पिक्चर से, साउंड से, इन सब से वो अट्रैक्टिव बनते हैं और हमें लॉन्ग टाइम तक लर्न रखने के लिए हेल्प करते हैं। यस, मल्टीमीडिया प्रोग्राम आर इंट्रैक्टिव इज दैट द लर्न गेट्स इमीडिएटली फीडबैक ऑन हीज हर रेस्पॉन्स एंड एक्शन एंड मोटिवेशन द लर्नर। यस, जो मल्टीमीडिया है हमें हैंड टू हैंड फीडबैक देने के लिए रेडी रखते हैं। जैसे अभी हमने कोई मूवी देखी और हमसे आप बाहर आकर कोई पूछता है कि इस मूवी में क्या क्या देखा आपने, क्या फीडबैक मिल, क्या आपको अंडरस्टैंडिंग हो पाई है इससे, तो हम फटाफट से बता दें। तो ये सब फीडबैक किसकी वजह से मिला है हमें, मल्टीमीडिया की वजह से। तो बेटा मल्टीमीडिया हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, हमारी एजुकेशन में भी। तो आज हम ये इतना ही रीड करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, इंसर्टिंग अ मल्टीमीडिया सीडी। ओके, थैंक यू।